वेलकम टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब अस। चीज चिकन बॉल्स बनाएंगे, जिसके लिए हमने चिकन का कीमा लिया है आधा किलो। कीमे को हमने धोकर छानी में रखना है, अच्छी तरह से पानी निकाल देना है। दो हमने ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं, आधा कप दूध के अंदर इनको हमने 10 से 15 मिनट तक सोक करना है, ताकि ब्रेड जो है अच्छी तरह से नरम हो जाए। 1 टेबलस्पून बटर लेंगे, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेंगे, एक हमने मीडियम साइज का प्याज लेकर इसको हमने बहुत ही बारीक चॉप करना है, गार्लिक चॉप किया हुआ आधा टीस्पून, हरी मिर्च चॉप की हुई 1 टेबलस्पून कर लें। टमाटो केचप लेंगे 2 टेबलस्पून, टमाटर की पेस्ट लेंगे 1 टेबलस्पून, अंडा लेंगे 1, चेडर चीज लेंगे 2 टेबलस्पून, नमक लेंगे 1 टीस्पून या थोड़ा कम डालिए, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, हरा धनिया कटा हुआ डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून, पाउडर मिल्क डालेंगे 1 टेबलस्पून, टमाटो केचप 2 टेबलस्पून हमने अलहदा से रखनी है। अब हमने मीडियम आग पर एक फ्राई पैन को गर्म कर लेना है, इसके अंदर हमने आधा टेबलस्पून बटर डालना है, आधा टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल डालना है, साथ ही हमने प्याज डाल देना है मीडियम साइज का, एक बारीक चॉप किया हुआ। गार्लिक डालेंगे आधा टीस्पून बारीक चॉप किया हुआ, या दो जगह ले लें लहसुन के छोटे, अगर बड़ा है तो एक ले लें। इसमें हमने नमक 1 टीस्पून, नमक हमने कम ही डालना है 1 टीस्पून से, लाल मिर्च डालनी है 1 टीस्पून, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। मीडियम आग पर प्याज को हमने सौते करना है, बहुत ज्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, बस 2 से 3 मिनट तक प्याज को हमने नरम करना है। प्याज को हमने 2 से 3 मिनट तक सौते कर लिया है, प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है, अब हमने आग को बंद कर देना है। अब हमने एक बॉल में प्याज डाल देना है जिसको हमने नरम किया है, प्याज को हमने ठंडा करके डालना है। अब हमने इसमें चिकन का कीमा डाल देना है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, धोकर इसको आप छाननी में रखिए ताकि पानी जो है अच्छी तरह से निकल जाए। एक हमने इसमें अंडा डाल देना है, चेडर चीज डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर, पाउडर मिल्क डालेंगे, शुगर फ्री होना चाहिए 1 टेबलस्पून, टमाटर की पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च चॉप की हुई डालेंगे 1 टेबलस्पून कर लें, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, टमाटो केचप डालेंगे 2 टेबलस्पून, थोड़ी सी हमने बचा लेनी है, हरा धनिया डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून कटा हुआ, ब्रेड लेनी है, इसके अंदर हमने दूध डाला हुआ था, इसको हमने अच्छी तरह से दबाकर दूध को हमने निकाल देना है, सिर्फ हमने दूध डाला था ब्रेड को नरम करने के लिए, अच्छी तरह से दबाकर सारे दूध को हमने ब्रेड से निकालकर इसको हमने डाल देना है कीमे के अंदर, सारी ब्रेड को हमने इसी तरह से दबाकर कीमे के अंदर मिक्स करना है, सारी ब्रेड को हमने इसके अंदर डाल दिया है अच्छी तरह से निचोड़ कर, अब हमने हाथों की मदद से अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स कर लेना है। बिल्कुल स्मूथ कर लेना है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने एक बेकिंग ट्रे ले लेनी है, इसके अंदर हमने हल्का हल्का बटर लगा देना है, ओवन को हमने 350 डिग्री पर प्रीहीट कर लेना है
सारे मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने हाथों पर हल्का हल्का बटर या घी लगाकर इसके हमने बॉल्स बनाने हैं। बॉल्स आप 12 बना लें या 14 बना लें, इस तरह से हमने छोटे छोटे बॉल बनाने हैं। छोटे छोटे बॉल बनाकर बेकिंग ट्रे के अंदर हमने रखते जाना है। इसी तरह से हमने सारे बॉल्स बनाकर ट्रे में रख लेने हैं। सारी बॉल्स बनाकर हमने एक बेकिंग ट्रे में रख दिए हैं। अब हमने टोमेटो केचप लेनी है, थोड़ी थोड़ी हमने ब्रश की मदद से इनके ऊपर हमने लगा देना है टोमेटो केचप को। सारी बॉल्स के ऊपर हमने टोमेटो केचप थोड़ा। अब हमने ट्रे को ओवन में रख देना है। ओवन को हमने 350 डिग्री पर प्री हीट किया है। अब हमारे बहुत ही जायकेदार चीज चिकन बॉल्स तैयार हैं। ये देखिए हम आपको तोड़कर दिखाते हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। इनको हमने 30 से 35 मिनट तक बेक किया है। आप देख लें ऊपर से जब तक पूरे गोल्डन हो जाए। बहुत सॉफ्ट हैं, नरम हैं, जायकेदार हैं। आप इसको हॉट सॉस के साथ खाइए, बेहतरीन जायका है। इस तरह से आप भी बनाइए चिकन चीज बॉल्स। सबको सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।